Hello students, class 6, social. Now I am going to explain you history chapter 3. So come to the history part. History chapter 3. Your chapter is the first farmers and herders. Farmers और herders के बारे में आपकी ये पूरे lessons है. कैसे जब prehistoric phase से हम आगे आए, developed हुआ, हमारे technical improvement हुआ, तो हम क्या क्या चीजें करने सीखें. एज अ मैन रीच्ड द एंड ऑफ द मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज के आखिरी तक आने के बाद हिज लिविंग कंडीशंस चेंज्ड एंड ही गेन्ड नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर कल्टीवेशन. देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू कीप मूविंग ग्राउंड अराउंड द एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड. He learned to cultivate land, sow seeds and grow wheat and rice which provided them food. ऐसे cultivation तब तक मेसोलिथिक एज के आगे पहले इंसानों को, अर्ली ह्यूमन्स को ग्रेन्स को ग्रो करना या क्रॉपिंग करना इनको नहीं आता था. मतलब इनको cultivations नहीं आता था, agricultural कुछ भी thoughts इनको नहीं आते थे. वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते थे, अपना खाना इकट्ठा करते थे, टूल से एनिमल्स को हंट करते थे, शिकार करते थे, फिर अपना खाने को अपने पास लेके आते थे और झुंड में हमेशा शिकार करते थे. बट जैसे जैसे मेसोलिथिक एज के एंड में आए, उनके कंडीशंस ऑफ लिविंग चेंज हो गया, वो नॉलेजेबल हो गया, नॉलेज एनहेंस हुआ. इसके बाद से वो एग्रीकल्चर करने लगे, कल्टिवेशन में इंटरेस्ट आने लगे उनके, फिर सी सॉर्ट्स करने लगे, कल्टिवेट लैंड को सफाई करने लगे, जंगल से लैंड को सफाई करके उसके वीट या राइस जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था वो फूड उगाने लगे. मैन वॉज फोर्स टू स्टे ऑन वन प्लेस टू हैव ए सेटल लाइफ. अब इंसान समझने लगे कि हमें एक ही जगह रह के हमें काम करना पड़ेगा, टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सून व्हेन ही एंटर्ड द नियोलिथिक एज, जब नियोलिथिक एज में एंटर करा, ही स्टार्टेड यूजिंग पॉलिश्ड टूल्स and domesticated animals to started growing plants. जैसे जैसे वो नियोलिथिक एज में आए, उन्होंने क्या स्टार्टिंग कर दिया, अपने टूल्स को पॉलिशिंग करना, घिसना अच्छे से, एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, लालन पालन करना, घर पे पालना. However, the geographical locations had its influence on the Neolithic age. जियोग्राफिकल जो लोकेशंस होता है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करते थे, वो कहाँ पे जाएंगे, कैसे वो रहेंगे. नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज जिसको कहा जाता था 8000 से 4000 BCE. द टर्म नियोलिथिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, न्यू मीन्स न्यू, लिथोस मीन्स स्टोन, न्यू स्टोन एज. दिस इज द पीरियड फॉलोइंग द मेसोलिथिक एज. मेसोलिथिक एज के बाद की जो टाइमिंग को इसको नियोलिथिक एज कहा जाने लगा. इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्टोन एज, स्टोन एज का सबसे लास्ट एज है. प्रोग्रेस बिगेन टू शो एज द ह्यूमन स्टार्टेड लीडिंग ए मोर सेटल कम्युनिटी लाइफ. लेट अस लर्न हाउ दिस हैपेंड, कैसे ये घटनाएं घटी, ये हम आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे. इसी चैप्टर्स में आगे आपके रिमेनिंग पार्ट में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट जो आएगा आपका एग्रीकल्चर. ओके, नाउ नेक्स्ट डे वी विल एक्सप्लेन यू. थैंक यू.